मध्य प्रदेश के सागर के सिविल लाइन थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब थाना क्षेत्र अंतर्गत चेतौरा से निकली बेबस नदी से एक महिला की बॉडी बरामद की गई। जी हां, यह महिला करीब दो दिन से लापता थी जिसकी परिजन तलाश कर रहे थे। वहीं अब महिला का शव सिविल लाइन थाना इलाके के बेबस नदी से बरामद हुआ है। यहाँ बीते दो दिनों से महिला की स्कूटी और उसकी चप्पलें रखी थी जिसको लेकर लोगों को शक था कि किसी के साथ कोई अनहोनी हुई है। वहीं अब महिला की बॉडी पुलिस ने बरामद कर ली है। श्रीजी साइन बोर्ड एंड एलईडी डिस्प्ले, आधुनिक मशीनों से एलईडी बोर्ड, लेटर एंड ए टू जेड ग्राफिक्स, तो अब शहर से दूर क्यों जाना। पता श्रीजी साइन बोर्ड, मंगलगिरी रोड, सागर, मध्य प्रदेश। दरअसल यह पूरा मामला सागर के सिविल लाइन थाना इलाके से जुड़ा है, जहां चितौरा से निकली बेबस नदी के घाट से पुरब्याऊ इलाके में रहने वाली सीमा सेन, उम्र करीब 38 साल का शव बरामद हुआ है। महिला करीब दो दिन से अपने घर से लापता थी जिसको लेकर परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। वहीं परिजनों ने महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में भी दर्ज कराई थी। वहीं बीते दो दिनों से चितौरा के बेबस नदी के पास एक स्कूटी और महिला की चप्पलें पड़ी थी जिसको लेकर इलाके के लोगों को अंदेशा था कि महिला के साथ अनहोनी हुई है। वहीं अब एसडीआरएफ टीम और थाना पुलिस ने महिला के शव को चितौरा की बेबस नदी से बरामद किया है। बताया जा रहा है कि महिला के दो बच्चे हैं और महिला के पति की बीते सालों मौत हो चुकी है। बताया यह भी जा रहा है कि पुरब्याऊ के में रहने वाली सीमा सेन कुछ लोगों से प्रताड़ित थी, ऐसा परिजन बता रहे हैं, जिसको लेकर अब सिविल लाइन थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही यह खुलासा हो सकेगा कि महिला ने आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। सागर से आदर्श दुबे के साथ नफीस खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर बेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लेधौरा हाट, फोर लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर।